इंदौर के कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की दरिया दिली देखने को मिली। यहां एक बुजुर्ग महिला दवाई के लिए आर्थिक सहायता की आस लेकर पहुंची थी। बुजुर्ग महिला की आंखों के आंसू देखना कलेक्टर ने तत्काल फोन लगाया और बेहतर इलाज के साथ कहा कि महिला को जितनी दवाई की जरूरत हो उन्हें दो, पैसे मैं खुद दे दूंगा। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे ये तस्वीर गुरुवार की है, जब ज्ञानशिला कॉलोनी में रहने वाली बुजुर्ग महिला हेमलता चौहान इलाज के लिए आर्थिक मदद की आस लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर से मदद की बात करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसे देख कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने तत्काल अस्पताल प्रबंधन को फोन लगाया और न सिर्फ बेहतर इलाज करने का आदेश दिया बल्कि जितनी दवाई की जरूरत है उतनी दवाई दे, और यहां तक कहा कि दवाई के पैसे वह स्वयं दे देंगे। कल वापस डॉक्टर बुला रहे हैं, आपको पूरा चेक करेंगे, ठीक है, उसमें ना कितने भी दवाई है चाहिए वो सारे दवाई आपको दिला देंगे, ठीक है, पूरा, ठीक है, नहीं है तो इनका नाम भी नोट करके ना वापस नंबर इनको दिला दो, ठीक है, इनका नंबर से भी आप बता देंगे ना, और नंबर से यहाँ से कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले इन्होंने पैसे भी कर देंगे, खराब लग रहा है, इसलिए मतलब इनको है ना मेडिसिन लेना ठीक नहीं लग रहा है, तो हम मेडिसिन ही देंगे इनका, ठीक है, हम पैसा नहीं देंगे इनको, जब भी चाहिए मेडिसिन चाहिए, कितने भी मेडिसिन चाहिए वो सारे मेडिसिन देंगे, ठीक है, ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।